आपको हेडिंग तो दिख ही रही होगी, दिख रही है हेडिंग? हाँ सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिटेल्ड एनालिसिस करें उससे पहले आपको बेसिक चीजें कुछ जाननी चाहिए, ठीक है? कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? कंफ्यूजिंग और सिमिलर टर्म्स जो है, कंफ्यूजिंग टर्म्स और टर्म्स विच आर ऑफन इंटरप्रेटेड एज सेम थिंग, इंटरप्रेटेड एज सिनोनिम्स. क्या कहें? पहला, पीरियोडिक मोशन. दूसरा, ऑसिलेटरी मोशन. एंड तीसरा है आपका SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. बहुत लोगों को लगता है सारे सेम चीजें हैं, कुछ लोगों को लगता है अलग है, बट किसी को पता नहीं है शायद कि कौन सा है. तो मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफाई करके बताता हूँ कि कौन सा क्या इंडिकेट करता है. पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है. एनी मोशन विच रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी सेड टू बी अ पीरियोडिक मोशन. जैसे अगर मैं बोलूं कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रहा है, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं? हाँ सर. कितने देर के बाद चक्कर काटता है? 365.25 days. ठीक है, 365 days almost मान लेते हैं. तो 365 days के बाद वो एक complete rotation cover up कर लेता है. फिर से वापस से 365 days के बाद फिर से cover up करता है. तो वो उसका position जो है हर 365 days के बाद आपका repeat होता रहता है. तो ये periodic motion कह सकते हैं. सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम को आप एक एंड पे स्विंग करके फिर छोड़ दो, एयर ड्रैग मत रखो, मतलब वैक्यूम में ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, तो क्या वो कभी भी ऑसिलेट करना बंद होगा? नहीं सर. वो इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, उसका पोजीशन रिपीट होता रहेगा रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद. तो इसको भी पीरियोडिक कह सकते हैं. सो पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता रहे, उसमें कहीं पे भी टाइप ऑफ मोशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब कैसे टाइप का मोशन होना चाहिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे अगर मान लो कि मैंने एक बॉल को अपने हाथ से एक सर्टन हाइट से इलास्टिक फ्लोर पे रिलीज करके छोड़ दिया है, इलास्टिक मतलब कि कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो उस केस में वो जब जाएगा ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा फिर रीबाउंड करेगा फिर से सेम हाइट पे आ जाएगा, होगा ही नहीं? तो किसी भी एक जगह पे अगर मैं एक पोजीशन मार्क करूं तो उस पोजीशन पे उसका जो पोजीशन है एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होता रहेगा या नहीं होता रहेगा? समझ आ रही है? तुम देखो मैंने तीनों एग्जांपल जो आपको दिए हैं, तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दिए हैं, दिए नहीं दिए है ही नहीं है, ठीक है? तो ये सारे ही मोशन आपके पीरियोडिक है. इसमें टाइप ऑफ मोशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस तरह का मोशन होना चाहिए. अब पीरियोडिक मोशन का एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, पीरियोडिक मोशन का एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. पीरियोडिक मोशन का एक स्पेसिफिक टाइप है बेसिकली, मतलब एक सबसेट है. अब ये सबसेट में क्या है, ऑसिलेटरी मोशन में सबसे मैंडेटरी चीज है कि एक मीन पोजीशन होना चाहिए. मीन पोजीशन कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा पोजीशन जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो वहां से हिलेगा भी नहीं. जैसे अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो सिंपल पेंडुलम में लोएस्ट पोजीशन जो है, क्या वो पोजीशन उसका मीन पोजीशन है या नहीं? हाँ सर. अगर आप वहां पे छोड़ दोगे क्या वो वहां से कभी भी हिलेगा? नहीं सर. बट अगर आप इसको उसके मीन पोजीशन से थोड़ा भी डिस्प्लेस करते हो तो इस पे एक ऐसा फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करता है जो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगने स्टार्ट कर जाता है जो उसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं. सो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब आप उसको डिस्प्लेस करते हो तो उसमें एक ऐसा फोर्स लगना स्टार्ट करता है जो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो आपने राइट डिस्प्लेस किया तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा, अगर आपने लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो राइट की तरफ फोर्स लगेगा. तो ऑब्जेक्ट क्या वापस आएगा या नहीं, सोच के देखो. आपने राइट की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसको डेफिनेटली वापस आना है.
तो इसका मतलब है ये ऑसिलेटरी मोशन में पहला मैंडेटरी चीज क्या हुआ कि मीन पोजीशन होना चाहिए। मीन पोजीशन क्या है? एक ऐसा पोजीशन जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो वो वहीं पड़ा रहे, मतलब नेट फोर्स जीरो हो वहां पे। उसके बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस पोजीशन पे उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि आपके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगना चाहिए। तो ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन। इस ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल सबसे पहला कौन सा दिया आपको? आपको दिया कौन सा एग्जांपल दिया? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम राइट। क्या अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड सन कैन बी कॉल्ड एज ऑसिलेटरी? नो सर। आर यू गेटिंग इट? समझ आ रही है आपको? उसको ऑसिलेटरी नहीं कह सकते क्योंकि क्या उसमें कोई मीन पोजीशन है? जैसे कोई ऐसा पोजीशन एग्जिस्ट करता है क्या कि जहां पे हम अर्थ को अगर पकड़ के अगर रेस्ट पे छोड़ दें तो वहीं का वहीं रह जाए? नहीं। इसका मतलब कि उसको ऑसिलेटरी आप नहीं बोल सकते। ठीक है। अब ऑसिलेटरी मोशन का एक सब टाइप है। देखो, पीरियोडिक मोशन का एक सब टाइप था ऑसिलेटरी। अब ऑसिलेटरी मोशन का एक सब टाइप है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन, बट यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। जैसे ऑसिलेटरी मोशन जब मैंने बोला तो बस मैंने इतना ही रिस्ट्रिक्शन लगाया कि उसका मीन पोजिशन होना चाहिए और मीन पोजिशन से डिस्प्लेस करने पर उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगनी चाहिए, बट रिस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था एज फार एज ऑसिलेटरी मोशन वॉज कंसर्न। बट SHM में हम ये रिस्ट्रिक्शन पे, मतलब अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पे अब एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मीन पोजिशन। मतलब मीन पोजिशन से आप जितना भी डिस्प्लेस कर रहे हो उसके प्रोपोर्शन में आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। तो जैसे अगर आपने मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर पर डिस्प्लेस किया है तो फोर्स की वैल्यू के टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। अगर आप मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रहे हो तो फोर्स की वैल्यू के टाइम्स ऑफ 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो सबको समझ आ गई क्या आप मीन कर रहे हैं? हम ये तीनों सिनोनिम्स हैं या अलग अलग चीजें? आप ये बताओ। अलग अलग चीजें। ठीक है, सो तीनों अलग अलग चीजें। कोई एक बार मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज करके बता देगा कि क्या मीन कर रहे हैं हम? जल्दी जल्दी बता दो सर। पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन दैट मोशन में एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। अच्छा, ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मुझे लगता है प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि किसी पीरियोडिक मोशन ऑकर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है। इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन अपॉन द टाइप ऑफ मोशन हियर? नो सर। नो। And what about oscillatory motion? It is a subtype of periodic motion in which opposite of the displacement from the mean position. I only heard chorus. I mean, chorus mein voice sunai diya bahut sara, but kuch samajh nahi aaya. Haan, aap Chitrita aap bol rahe the. Sir, oscillatory motion? Sir, वो मतलब जो displacement है from mean position that is opposite to the direction of force. उल्टा बोलिए, उल्टा बोलिए। force का direction, force का direction वो opposite है to the displacement from mean position. What is the mean position? The position where it is at rest initially. Sir, where net force is zero. Net force zero. अपने हाथ से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो क्या वो उस पर रेस्ट पे है, बट क्या उसके ऊपर फोर्स जीरो है? ऑसिलेटरी एंड SHM क्या था? सृजनी बोलिए बेटा। Sir, it is a sub type of oscillatory motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement. Displacement with respect to? Sir, magnitude. With respect to the mean position. magnitude की हम बात कर रहे हैं obviously. Magnitude of the जब हम restoring force कह दिया है ना तो obviously हम magnitude ही mean कर रहे हैं. और अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बोल रहे हैं तब फोर्स अगर सिर्फ बोल रहे हैं तब उस केस में माइनस यू नो डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। बट रिस्टोरिंग फोर्स इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि डायरेक्शन उल्टा है। रिस्टोरिंग वर्ड इटसेल्फ इज अ उल्टा टर्म। समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है सर अंकल। ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ
ठीक है, अभी मैं एक बार जल्दी जल्दी लिख देता हूँ इनको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो पीरियोडिक मोशन के बारे में पहले लिख लेते हैं, इट्स अ मोशन विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, no restriction upon the type of motion here. Example, revolution of earth around sun, oscillations of simple pendulum, etc. फिर अभी आते हैं ऑसिलेटरी पे. It's a type of periodic motion. Periodic, okay, periodic motion. Where the object moves to and fro about a certain mean position of oscillation, where mean position is a position where the net forces acting on the object is zero on being released from rest there, and hence it can stay there for an indefinite period. But on being displaced, with respect to mean position, it starts experiencing a restoring force, which acts opposite to the direction of displacement with respect to mean position, and hence the object returns back accelerating towards mean position. I hope आपको समझ आ गई ये चीज पूरी, ये तो जो मैंने समझाई वही लिख दिया, ठीक है ना? Yes. हाँ sir. ठीक है. And last type अपना SHM. So it's a type of oscillatory motion where we put a restriction upon the magnitude of the restoring force.
in SHM, the restoring force has to be proportional to displacement with respect to mean position. I hope there is no confusion. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So, agar aise likh rahe hain, if x equal to x naught is the mean position and x is the instantaneous position, then displacement with respect to mean position kya hoga? Batao? X minus x naught. That's it. So displacement with respect to mean position is x minus of x naught. Samajh aa rahi sabhi ko? Yes. Thus, for SHM, condition kya hona chahiye? SHM ke liye kya condition hona chahiye? Agar main net force likh raha hu, net force, to ye equal to, ya aise likh le, proportional to negative of k into x minus of x naught. देखो तो सही लिखा मैंने, सॉरी k लिखने का जरूरत नहीं है, k लिखने का जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी दिया ना तो k लिखने का जरूरत नहीं है. देखो समझ आ रही है क्या आपको? हाँ समझ आ रही है. ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव किसको इंडिकेट कर रहा है? रिस्टोरिंग नेचर. रिस्टोरिंग नेचर है ना, क्योंकि डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है. देखो अगर x minus x naught पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव आएगा ना. हाँ सर. और अगर x माइनस x नॉट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव. समझ आ रही है? तो ये रिस्टोरिंग नेचर को इंडिकेट करने के लिए है. तो इसी को अगर आप इक्वेशन में अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा. वो अलग अलग सिस्टम के लिए कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है. तो ये माइनस ऑफ के इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट ऐसा बनता है इक्वेशन. ये के का जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑसिलेटिंग सिस्टम. समझ आ रही है आपको? इसी इक्वेशन को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. इसी इक्वेशन को आप एक ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकते हैं. और करके लिख दे रहा हूँ. इस एफ के सबस्क्रिप्ट में मैं रीस्टोरिंग लिख रहा हूँ, ठीक है? क्या इसको सिंपली के इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट लिख सकते हैं? हाँ सर. क्योंकि क्योंकि नेट फोर्स लिखा और उसमें माइनस लिखना जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए. वो डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन है. बट जब मैंने रीस्टोरिंग वर्ड ऐड कर दिया है तो ऑब्वियस है कि ये बेसिकली वो डायरेक्शन में क्या है, उल्टा तरफ ही है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ भैया. आई होप आपको समझ आ रही है. ठीक है, चलो एनीवे, चलो ये बात तो आपको समझ आ गई कि कैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताना सही है गलत है, ठीक है? ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, ट्रू और फॉल्स? True, sir. True. True. ठीक है, क्योंकि periodic का ही एक special type oscillatory था, याद है? Yes, sir. हाँ sir. Okay. All true, SHMs sir. Are oscillatory. True, sir. True, true, sir. True, sir. True, sir. All oscillatory motion are SHM. False. All periodic motions are SHM. False, sir. All SHM are periodic. True, sir. चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप समझ रहे हो. चलो इट्स वेरी गुड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. चलो ठीक है, तो ये वाला ये एक पार्ट तो चलो आप समझ गए हो. अब एक बार थोड़ा सा जस्ट मैथमेटिक्स, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे जाते हैं, ठीक है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? एप्लीकेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे है, ठीक है? देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इक्वेशंस represent SHM oscillatory but not SHM
neither SHM nor oscillatory. Now the options are, pehla hai, F ki value is minus of x minus of 2 ka cube. Dusra option is F ka value minus of x minus 2 ka square. Teesra option is F ka value minus of, acha plus likh dete hain, x minus of 2 ka cube. Chautha option is F ka value x minus 2. And panchma option is F ka value minus of x minus 2. ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा SHM है, कौन सा SHM अगर नहीं है तो ऑसिलेटरी है और कौन सा कुछ भी नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है. मैं आपको जैसे एक बेसिक सा तरीका सिखाता हूँ, मैं एक में दिखाता हूँ, बाकी को आप खुद से कर पाओगे. मैं पहला वाला करके दिखा रहा हूँ, ठीक है. देखो, चाहे वो ऑसिलेटरी हो चाहे वो SHM हो, पहला मैंडेटरी कंडीशन क्या था उनके लिए, पहला सर मीन पोजीशन में वो F नेट जीरो होना है. गुड, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, कोई ना कोई ऐसा पोजीशन होना चाहिए जहां फोर जीरो है, राइट? हाँ सर. तो देखो, फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर देखोगे तो x इक्वल टू टू, क्या वही मीन पोजीशन है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, देखो. ठीक है, ये चेक करो, ये मेरा नंबर लाइन है. सो इसको मैंने x इक्वल टू जीरो मार्क, सॉरी x इक्वल टू टू मार्क किया है. ठीक है, x इक्वल टू टू ही मीन पोजीशन है ना, तो इसलिए उसको मार्क किया है. तो अगर यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो वहीं पड़ा रहेगा, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो मिलेगा आपको. अब आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, इधर राइट और लेफ्ट. ठीक है, तो मैंने इसको इमेजिन करो कि राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया है. सो अगर इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये यहाँ पहुंच गया, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट x माइनस टू हुआ या नहीं हुआ? फाइनल पोजीशन अगर x है तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन कितना हुआ, x माइनस टू तो हुआ ना, समझ आ रही है? और अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, राइट? दिख रही है आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट? हाँ सर. तो अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, उसका पावर ऑड हो या इवन हो क्या फर्क पड़ता है? पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पावर में ऑड इवन मैटर नहीं करता है, बट बाहर में एक नेगेटिव लगा हुआ है तो फोर्स नेगेटिव आई या नहीं आई? तो यहाँ पे देखो, फोर्स नेगेटिव आ गई है. सो दिस इज द फोर्स ओवर हियर. ठीक है, तो ये नेगेटिव आई है. ठीक है ना, रिस्टोरिंग नेचर दिख रहा है आपको राइट साइड में? हाँ सर. सेम नेचर अब हम लेफ्ट में चेक करेंगे. इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ. तो लेफ्ट की तरफ जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, दिख रही है आपको? सो दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. अब ये यहाँ पे पहुंच चुका है. ठीक है, अब यहाँ पहुंच चुका है. तो अगर x माइनस टू जो है वो नेगेटिव है, तो उसका पावर ऑड है. दिख रहा है आपको, x माइनस टू का पावर थ्री है ना, पावर ऑड है. तो नेगेटिव का पावर ऑड है, तो मतलब फिर से एक नेगेटिव आ गया. नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव. फोर्स पॉजिटिव आई या नहीं? क्या दोनों तरफ रिस्टोरिंग नेचर दिखा आपको? यस सर. और अगर दोनों तरफ रिस्टोरिंग नेचर है तो पक्का है ऑसिलेटरी है ना? हाँ सर. गॉट इट. बट क्या ये SHM है? नहीं नहीं सर. नहीं, 100% श्योर ये SHM नहीं है. क्यों? क्योंकि पावर कितना है इसका, 3 है ना? यस सर. इसका मतलब पहला वाला क्या है, ऑसिलेटरी बट नॉट SHM. समझ आइए आपको कैसे डिसाइड करना है. यस सर. बाकी सब खुद से, बाकी सब जल्दी से खुद से ट्राई करके बताओ. ओहो,
सर बताओ बताइए तो सर सेकंड वाला थर्ड वाला और फोर्थ वाला क्या नाइदर ऑसिलेटरी नॉर एसएचएम होगा गुड एंड फिफ्थ वाला एसएचएम सही है कौन बोल रहे थे एक बार बता दीजिए सर श्रीजनी बनर्जी हाँ बेटा सही है सही किया आपने सबका आ गया समझ आ गया सभी को हाँ सर हाँ सर ठीक है चलो देखो एक बार सही है कि नहीं देखो इधर इसमें लेफ्ट राइट साइड में रिसोर्ट नीचे था ना सेकंड वाले में फोर्स अगर आपका डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए बट डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट की तरफ हो तब तो फोर्स आपका राइट की तरफ होना चाहिए तो ये आपका रिस्ट्रेन नीचे रहे तो इसलिए आपका वापस क्या हो जाएगा दिस इज नीदर 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 लिख रहा हूँ मतलब समझ जाना आपकी ऑसिलेटरी भी नहीं है एसएचएम भी नहीं है ठीक है मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ थर्ड वाले में क्या होगा थर्ड वाले में किधर रिसोर्ट इन नेचर है सर नाइदर साइड कोई भी साइड में नहीं है कोई भी साइड में नहीं है कोई भी साइड में नहीं है या एक साइड में है सर एक साइड में कुछ रेंज तक होगा सर कौन से रेंज तक क्यों बोल रहे हो सर क्योंकि अगर पॉजिटिव में थोड़ा थोड़ा करे सर जैसे अगर वन ले जाए तो वन माइनस टू माइनस वन हो जाएगा नहीं तो पॉजिटिव कहाँ हुआ तो नेगेटिव की तरफ हुआ मैंने डिस्प्लेसमेंट जो लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन ही लेना है ना तरफ से नहीं होगा हाँ इस बार रिसोर्ट नेचर किस तरफ भी नहीं है ना तो राइट की तरफ है ना तो लेफ्ट की तरफ है ये समझ आ रही है सबको Yes. है ना क्योंकि आपका फोर्स अगर देखोगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स पॉजिटिव आ रही है एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स नेगेटिव आ रही है मतलब वापस से आपका नीदर हो गया कोई भी नहीं ना तो एसएचएम ना तो ऑसिलेटरी ठीक है थर्ड वाला एग्जांपल और फोर्थ वाला एग्जांपल सेम ही है ना है ही नहीं है हाँ सर सेम है एकदम सेम है ठीक है तो इसमें भी वापस से सेम सिनेरियो है तो इसलिए इसको भी वापस से नीदर लिख लेंगे दिस इज ऑल्सो नीदर बट फोर्थ वाला फिफ्थ वाला जो है वो तो पक्का है एसएचएम है ना क्योंकि उसमें पावर कितना है पावर तो वन है ना पावर वन होना ही तो बेसिकली आपका क्या है एसएचएम है रिस्टोरिंग नेचर के साथ तो इस बार ये एसएचएम हो जाएगा सो ऑसिलेटरी एज वेल एज एसएचएम आई होप आपको समझ आ गई है हां सर ओके चलो देखो मैं एक और चीज आप समझ पा रहे हैं नहीं The graph shows the variation of force with respect to position of a particle. लेट अस से यहां पे एक पॉइंट लिया हमने ए बी सी डी ई किस पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट कर सकता है बताओ बताओ ये सिंपल है ये बताना चाहिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया दुखी मत करो मुझे सर एक तो ई होगा एक ई होगा कौन बोल रहे हैं एक बार नाम बताइए बेटा सर ऑर्गो हाँ ई होगा ठीक है सही है सर और एक ए होगा ए भी होगा सही है जस्टिफाई कर लीजिए बस एक बार सर ई पे तो सर फोर्स इक्वल टू जीरो है तो फिर मीन पोजीशन आ गया वहां पे एफ इक्वल टू जीरो है मतलब मीन पोजीशन तो है फिर अगर हम एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स पे तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन तो फोर्स नेगेटिव है गुड नेचर है गुड यहां पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स नेगेटिव है मतलब रिस्ट्रेन नेचर है परफेक्ट
फिर लेफ्ट डिस्प्लेस करें तो फोर्स पॉजिटिव है सर. गुड, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स पॉजिटिव है. दिख रही है सबको? हां सर. इसका मतलब रिस्टोरिंग नेचर दोनों तरफ है. और यहां से आपको पता चल गया, इस पूरे पार्ट को आप देख के यही तो कंक्लूजन देख के ड्रॉ कर रहे हैं कि क्या है, रिस्टोरिंग नेचर एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड्स, तो देयरफॉर एसएचएम हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा. बट एसएचएम का पता नहीं कर सकते. एसएचएम का क्यों नहीं पता कर सकते? क्योंकि नेचर ऑफ कर्व हमें नहीं पता है ना. क्या हमें नेचर ऑफ कर्व पता है? नो सर. नहीं सर. अगर वो बता देते कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे अपियर तो हो रहा है स्ट्रेट लाइन के जैसा, बट अपियरेंस ही मैटर नहीं करता है, एग्जैक्टली पता होना चाहिए. तो अगर ये लीनियर ग्राफ होता उस पोर्शन पे, तो पक्का है हम ये बोल देते कि वो एसएचएम होगा. आई होप आपको समझ आ रही है ना? सेम लॉजिक अगर देखोगे तो सेम रीजन आपका पॉइंट ए पे भी होल्ड करेगा. देखो, दिख रही है आपको? देखो, राइट डिस्प्लेस किया पॉजिटिव है ना, और नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव फोर्स आ रही है. फिर लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एंड ऊपर की तरफ फोर्स आ रही है मतलब पॉजिटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे भी रिस्टोरिंग नेचर है. मतलब इसको भी देख के आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑसिलेटरी होगा, और बाकी कहीं हो ही नहीं सकता. क्योंकि अब यहाँ देखोगे, अगर पॉइंट सी पे अगर देखोगे तो राइट डिस्प्लेस किया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स भी पॉजिटिव आ गया, तो ये तो ऑसिलेटरी होगा ही नहीं सकता है. समझ आ रही है? तो फोर जीरो यहाँ पे भी है, बट ये आपका मीन पोजिशन, मतलब ये जो है ये आपका ऑसिलेट नहीं कर सकता. इसे अगर आप देखोगे तो एक और चीज भी समझ आ रही है, ऑसिलेशन हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ही होती है नहीं होती है? आपको ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद है? है ना, ऑसिलेशन हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के पास ही होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पास कभी नहीं होती है. ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ऑसिलेशंस आर ऑलवेज परफॉर्म्ड अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन. ठीक है, इनको ध्यान रखिए. चलो, अभी तो बहुत सारे बेसिक चीजें आपको बता दी है. अब का इसके आगे जो डिस्कशन में करने वाला हूं, अब डिटेल्ड एसएचएम का एनालिसिस करने वाला हूं. बाकी सारे मोशन का मैथमेटिकल एनालिसिस हमें करना नहीं है. मतलब कि कोई भी जनरल पीरियोडिक मोशन दे दिया या कोई भी नॉर्मल ऑसिलेशन दे दिया और उसके लिए एनालिसिस, ऐसा कभी नहीं होता है. आपको एनालिटिकल डिस्कशन जरूर पूछ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, एकदम एनालिटिकली किया. यहाँ पे किया, यहाँ पे भी देखोगे तो एनालिटिकली किया. दिख रही है ना आपको? ये सारे एनालिटिकल थे ना, दिख रही है आपको? ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे में भी जो एसएचएम ना हो. बट हाँ, अब मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस आपको एसएचएम का दिखाने वाला हूं. सो एसएचएम का डिटेल एनालिसिस देखो, एंड इट्स डिटेल्ड एनालिसिस. ठीक है, SHM में हमने ऑलरेडी ये दिखा रखा है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन लेते हैं. जनरली आप मेजोरिटी ऑफ केसेस में देखोगे कि मीन पोजीशन जो है ना, वो x इक्वल टू जीरो पे ही चूज किया जाता है. मेजरली मतलब आप अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मे बी आपको 95 क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जहां पे मीन पोजिशन जो है वो x इक्वल टू जीरो पे ही चूज कर लेते हैं. तो x इक्वल टू जीरो ही अगर मीन पोजीशन है, सोचो इफ x इक्वल टू जीरो इटसेल्फ इज द मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन क्या लिखेंगे आप? x माइनस जीरो. अच्छा, है ना? और अगर देखोगे तो x माइनस जीरो, क्या यही x ही उसका पोजीशन हो गया, नहीं हो गया? हाँ सर. हाँ सर. गॉट इट और नॉट? समझ आई बात आपको क्या बोली मैंने? हाँ सर. एक बार फिर से बता सकते, आपको वॉइस कट हो गया था. अगर x इक्वल टू जीरो हमारा मीन पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन x माइनस जीरो होगा, जो कि सिंपली आप x लिख सकते हैं. आपको कंफर्म करना पड़ेगा अगर आप बात समझ आ गए तो. यस सर, अब समझ में आया. हाँ, सो अभी क्या है कि अगर हम कहते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, तो अगर जनरलाइज करके बोले तो ये गलत है या सही है? जनरलाइज करके मैं बोल रहा हूँ कि अगर फोर्स जो है इन एसएचएम, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये सही है या गलत है? गलत है. गलत है, ये गलत है. जनरलाइज करके बोल रहा हूँ तो गलत है. हाँ,
बट हाँ अगर मैं स्पेसिफिक केस बोल दूं कि अगर मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे है तब फोर्स प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, तो सही हो गया ना? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो बस ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, बट आपको ये ध्यान रखनी है क्योंकि बुक्स जो है वो सिंपली ऐसे ही लिखा रहेगा, वो इतना ऐसे डिटेल में आपको समझाएंगे नहीं, बस वो ये लिख देंगे कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए। अब ये वो समझते हैं कि उन्होंने एक्स इक्वल टू जीरो पे ही मीन पोजिशन ले रखा है, बट वो इस चीज को स्ट्रेस करके वहां पे फोकस नहीं करते। बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम कह रहे हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा मीन पोजिशन कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू जीरो पे है। क्या आपको बात समझ आई है? ठीक है, सो मैं यहाँ पे वही चीज लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। सो इफ द मीन पोजिशन इज एट ओरिजिन, देन x नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर जो रिस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स आना चाहिए, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ k इनटू x माइनस ऑफ x नॉट, व्हिच इज माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ x। ठीक है, सही लिखा मैंने? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। अब ये नेट फोर्स को फिर हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, और यहां से अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स आ रही है ना? तो एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं। ये जो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे दिख रही है के बाई एम, ये कॉन्स्टेंट टर्म को हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। दिस विल बी रिप्लेस बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का सिग्निफिकेंस क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, अभी जस्ट इसको एक नॉमेनक्लेचर की तरह रहने दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लियरली ओमेगा की वैल्यू जो मैंने चूज की है, ये रूट अंडर के बाई एम चूज किया ना, ठीक है। इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। इन सब का सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा कि इस सब का मतलब क्या आता है। अभी जस्ट थोड़ा सा मुझे नॉमेनक्लेचर पे बस वर्कआउट करने दीजिए, कम से कम आपको नाम बता दो किसका क्या नाम है। तो इनडायरेक्टली अब आप ये लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन का वैल्यू इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि आप जब भी एक्स के प्रोपोर्शनल फोर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए, है या नहीं है? क्योंकि एक्सेलरेशन तो फोर्स से ही आएगा ना, तो फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स बोल रहे हो तो एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। तो एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ना चाहिए, यही तो मतलब निकला है ना? हाँ सर। एंड अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और पोजिशन अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या ये हमेशा नेगेटिव आएगा? एक्सेलरेशन और पोजीशन अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या ये हमेशा नेगेटिव आएगा? हाँ सर, हाँ सर, ऑब्वियस है। अगर मैं राइट की तरफ चूज कर रहा हूँ तो एक्स पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव, अगर लेफ्ट की तरफ चूज कर रहा हूँ तो एक्स नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होगा ही ना? हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट लेने से हमेशा आपको ये नेगेटिव ही मिलेगा। सो एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन के ऑपोजिट होती है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। हाँ सर, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। इससे आपको ये पता चल रहा है, इस नेगेटिव को देख के आपको ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन डॉट पोजिशन, ये ध्यान रखना, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन, ठीक है। क्योंकि मीन पोजिशन हमने जीरो पे ही चूज किया था। This should be equal to, this should always be negative, will be negative, ठीक है, वो negative वही चीज को indicate कर रहा है। अब acceleration को आप ऐसे भी लिख सकते हो, this is, you know, acceleration को अगर लिखें तो d2 x by dt2, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? Second derivative of x, ना sir, this will be minus omega square into x, अगर आप देखोगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। फर्स्ट ऑर्डर मतलब अगर सिर्फ dx by dt equal to minus omega square x होता तो उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, बट ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आ रहा है इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना तो नहीं आता है, बट एक कॉमन सा अगर हिट एंड ट्रायल से भी अगर देखोगे तो आप गेस कर सकते हो इसको, इसका सोल्यूशन गेस कर सकते हैं हम। कैसे देखो, आप एक चीज सोचो कि हमने एक्स को दो बार डिफरेंशिएट किया और दो बार डिफरेंशिएट करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो एक्स के ही नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल आ रही है, यही तो मतलब निकल रहा है?
है नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन है, बट इन जनरल सोचो x कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको दो बार डिफरेंशिएट की जा रही है, और दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है वो क्वांटिटी उसी x के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल है ना, यही तो चाहिए आपको। हाँ सर, ऐसा प्रॉपर्टी किस फंक्शन में देखा जाता है आप ये बताओ मुझे, कि कोई एक ऐसा फंक्शन बताओ मुझे जिसको अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करो तो उसी का नेगेटिव का प्रोपोर्शन आ जाता है। साइन, साइन एंड कॉस दोनों ही तो है, साइन और कॉस दोनों ही तो है। साइन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, कॉस, कॉस, और कॉस को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, माइनस साइन, माइनस साइन, और माइनस साइन मतलब माइनस ऑफ इनिशियल के प्रोपोर्शन आ गया, नहीं आ गया। हाँ सर, सेम चीज आप कोसाइन के लिए भी कह सकते हैं, कोस को एक बार डिफरेंशिएट करो माइनस साइन, एंड माइनस साइन को डिफरेंशिएट किया तो वापस से क्या होगा, माइनस कॉस ही तो रह जाएगा ना। हाँ सर, समझ आ रही है। तो हीट एंड ट्रायल से आपको ये समझ आ गया कि इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, या तो साइन या तो कोसाइन, है ना। तो उसी तरह से हम याद रख लेते हैं, अदरवाइज इसका डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो डेरिवेशन किसी काम का नहीं, आप बस इसको इसी तरह से याद रखिए कि जब भी किसी का भी कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल आ रही है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल, देखो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोला, मैंने बोला वो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल हार्मोनिक इज अ ब्रॉड टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल सच ऑसिलेशंस जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल आता है। क्या आपको बात समझ आ रही है, जस्ट एक नोमेनक्लेचर आपको ध्यान रखनी है, समझ आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ सर, हाँ सर। एनी, मैं लिख भी दे रहा हूं, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये जस्ट सिंपल हार्मोनिक के लिए आपका डेफिनेशन है, ठीक है। एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे एक्स है हमारा, ठीक है, हुज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव is proportional to negative of itself, proportional to negative of itself, then this physical quantity is said to vary harmonically with respect to time, ठीक है, clear है? Yes sir. And सारे simple harmonic equations का solution कैसा होगा? Sinusoidal function of time होगा. All simple harmonic variations will necessarily be sinusoidal functions of time. Sinusoidal जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ sine नहीं mean कर रहे हैं, sinusoidal का मतलब है sine और cosine दोनों ही, ठीक है? Sinusoidal functions of time, ठीक है? So therefore अब मैं यहां से proceed कर रहा हूं, इस equation से further proceed कर रहे हैं, ठीक है? So इससे हम ऐसा लिख सकते हैं, so therefore x की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चूज की जा रही है, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा लिख लिया हमने, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो साइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं? है सर, है ना, साइन फंक्शन तो पीरियोडिक फंक्शन है ही। साइन फंक्शन का पीरियड कितना होता है, याद है आपको? 2π सर, 2π होता है ना, पता है सभी को? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो साइन फंक्शन तो 2π इंटरवल के बाद आपका रिपीट करता रहता है, तो इसीलिए ऑसिलेशंस में भी तो पोजीशन रिपीट होता है, तो इसीलिए ये आपका पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब SHM वाला पीरियोडिक को यूज करने के लिए। दूसरी चीज ये चेक करो कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज अगर ऑसिलेट कर रही है तो ऑब्वियसली मीन पोजिशन से एक मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है आगे, और फिर मैक्सिमम डिस्टेंस पीछे भी तो जाता है ही नहीं है, और जितना ये मैक्सिमम डिस्टेंस आगे या पीछे जाता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये जो a दिखा रखा है हमने, कैपिटल a जो लिखा है, isn't it obvious कि वो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि x का अगर कोई पूछे मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो क्या लिखोगे आप?
मीन पोजिशन कहाँ पे था, जीरो पे, तो जीरो से कितना दूर मैक्सिमम गया, प्लस ए, प्लस ए, समझ आ रही है, मिनिमम कितना गया, माइनस ए, राइट, बट एम्पलीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन, तो मैग्नीट्यूड आप माइनस की तरफ लो या प्लस की तरफ लो, वो तो ए ही बोलोगे ना, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो ये जो ए दिखा रखा हमने, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन पोजिशन, ठीक है, ओके, ये ओमेगा तो आपको ऑलरेडी बताया था, दिस ओमेगा वाज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा निकाल रखा है हमने, ये ओमेगा की वैल्यू से आप टाइम पीरियड निकालोगे 2 पाई बाय टी करके, सो देयरफॉर आपका टाइम पीरियड जो होगा ये आपका 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, सो दिस टी इज बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये जो phi लिख रखा है हमने इसको इनिशियल फेज या फिर epoch कहते हैं, दिस इज इनिशियल फेज, अभी टर्म्स समझा, जैसे आपको टर्म्स बता रहा हूं इनको सब समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करना कि सर ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इनिशियल फेज और epoch कहते हैं, दिस इज epoch, epoch, और ये जो ओमेगा टी प्लस phi है ये पूरा का पूरा टर्म, इसको इंस्टेंटेनियस फेज कहते हैं, दिस इज इंस्टेंटेनियस फेज, मतलब टाइम टी पे, इंस्टेंटेनियस फेज, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का पीरियड टू पाई होगा कैसे प्रूव करेंगे, टू पाई बाई ओमेगा होगा कैसे प्रूव करेंगे, अगर पीरियोडिक है तो वैल्यू रिपीट करेगा ना आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यही तो लिखेंगे आप? हाँ सर। तो आप कैसे लिखोगे इसको, ये पीरियड निकालने का तरीका क्या है, जैसे ऐसे देखो, अगर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को लिख रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा इनटू, सॉरी, ओमेगा इनटू टी प्लस टी एन प्लस फाइव, ऐसे तो लिखोगे ना? हाँ सर। राइट, अगर अगर पीरियोडिक है तो वैल्यूज तो रिपीट करेगा ना रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद, और सबसे छोटा इंटरवल जिसके बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है उसी को हमने कैपिटल टी माना है। अब इससे कैसे डिटरमाइन करोगे, बताओ इसे कैसे डिटरमाइन करोगे, क्या इसको सिंपली ऐसे ही लिखा जा सकता है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव एन प्लस ओमेगा इनटू कैपिटल टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अब ये बताओ साइन का फंक्शन का तो आपको पता है ना पीरियड कितना होता है, टू पाई होता है या नहीं होता है? होता है सर। हाँ तो क्या ये वाली एंगल ही तो 2π नहीं है क्या? हाँ सर। है ना, क्योंकि 2π, 2π के बाद रिपीट होना है, तो ओमेगा इनटू कैपिटल टी हैज टू बी इक्वल टू 2π, तो कैपिटल टी का वैल्यू कितना हुआ, 2π बाय ओमेगा, मतलब ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है यहाँ पे साइन फंक्शन के अंदर, ये ओमेगा हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, और ये टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने इस ओमेगा को कहां से निकाला था ये याद है, एक्चुअली कहां से यूज किया था, फोर्स इक्वेशन से, फोर्स इक्वेशन में जो k की वैल्यू आई थी वो k बाई एम करके हमें ओमेगा स्क्वायर मिला था, तो ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर k बाई एम था, तो फोर्स इक्वेशन अगर आपको पता है तो वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, ये आपको पता चला? हाँ सर। है ना, अगर आपको फोर्स इक्वेशन पता है तो फोर्स इक्वेशन से आप ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको इनका इनके बारे में ना अभी डिटेल अभी आपको समझाऊंगा, ओमेगा का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा, फाई का भी नहीं फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा, अभी बस आपको टर्म समझाया है कि टर्म्स कैसे क्या नाम दे रहे हैं उनको, अभी इसके फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो, अगर एक्स की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल चुकी है तो क्या हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है या पोजिशन के फंक्शन में? पोजीशन है, तो हम जब बोल रहे हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ एक्स के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक्स तो वहां पे पोजीशन है, टाइम नहीं है। अब तुम सोचो अगर पोजीशन टाइम का साइनसोइडल फंक्शन है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो दोनों भी साइनसोइडल फंक्शन होंगे, ये भी सही हो गया ना, क्योंकि साइन को डिफरेंशिएट करोगे
तो कोसाइन मिलेगा, कोसाइन को डिफरेंशिएट करोगे तो वापस से साइन मिल जाएगा, तो बाकी दोनों भी आपके साइनसोइडल हुए नहीं हुए? साइनसोइडल, इधर साइन और कोसाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली अगर पोजीशन आपका साइनसोइडल फंक्शन है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी आपके साइनसोइडल फंक्शन होंगे। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी आपका पीरियोडिकली वेरी करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी ये चीज सोच के देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ फर्दर। सो नाउ फॉर वेलोसिटी, ठीक है, वी निकालना है हमें, तो वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल रहे हैं, तो इसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख रहे हैं। और अगर dx by dt लिखा तो इससे मिलेगा d by dt of a sin of omega t plus phi, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा omega into a into cos of omega t plus phi। क्या लिखा जा सकता है इसे? हाँ सर, जा सकता है। अब इसको ऐसे ब्रेक करें फिर से, तो ये omega a into sin of omega t plus phi and plus pi by 2, कैसा लिखा जा सकता है इसको? हाँ सर, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा ही तो होता है ना, राइट? हाँ सर। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे वापस से वेलोसिटी भी साइनसोइडल फंक्शन आई है। इसका मतलब क्या, हम ये भी बोल सकते थे कि वेलोसिटी भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है टाइम के साथ? बस सिंपल हार्मोनिक का डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन क्या था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल आ जाए तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक के लिए वेरी करता हुआ बोलेंगे। और सारे सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन का जो सॉल्यूशन होता है वो साइनसोइडल फंक्शन ही होता है। तो वेलोसिटी अगर साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम है तो पक्का इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब लोगे तो उसी के नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शनल आना ही आना है। सो यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि वेलोसिटी भी आपके सिंपल हार्मोनिक के लिए वेरी कर रही है। और अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड अगर बोले, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब कि वेलोसिटी का मीन पोजीशन क्या है? जीरो है ना। वेलोसिटी का मीन पोजीशन मतलब कि यू नो, जो सबसे छोटा वैल्यू है वेलोसिटी का वो जीरो वैल्यू है। और उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं मैक्सिमम कितना गया, तो ओमेगा ए ही तो इसके मैक्सिमम वैल्यू है ना, है नहीं है? है वेलोसिटी में अगर आप प्लस माइनस अगर लेके आते हो कहीं पे तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, आपको पता ही है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या है, वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या है, वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव कर रहा है, इजंट इट? हां सर। गलत। अगर वो मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ है और वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है तो क्या वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी? अगर वो मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ है और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी? सर होगी सर। अगर वो मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ है एंड टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं होगी? पॉजिटिव होगी। समझ आ रही है आपको? और सर वेलोसिटी का मीन पोजीशन, अगर किसी ने, मैं बोल रहा हूँ सुनो पहले, अगर किसी ने सपोजिटली आपको ये कह रखा है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन बताया मैंने आपको, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैंने बोला वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है या टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है? टुवर्ड्स। थप्पड़ पड़ना चाहिए, अभी समझाया एग्जांपल्स लेके। नो सर, नहीं कह सकते। गधी लड़की एक नंबर की। अगर मीन पोजीशन के राइट में है और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है तो फिर पॉजिटिव नहीं हुआ वेलोसिटी वो? हाँ सर। हाँ सर पॉजिटिव। रिजनी? हाँ सर। तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ सर। सर मैंने वो नहीं बोला पहले, मैंने बोला कि ओके ठीक है चलो, मुझे लगा आपकी वॉइस, चलो एनीवेज ओके फिर से बोल रहा हूँ, अगर वेलोसिटी और पोजीशन का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या डिपेंड करेगा? सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलेंगे, मुझे ठीक सुनाई नहीं दिया। डिस्कनेक्ट हो गया फिर से? ओ अगर वेलोसिटी और पोजीशन का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा साइन, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर
सर डिपेंड करेगा कि वो मतलब राइट साइड में जा रहा है या लेफ्ट साइड में, बस यही मैटर करेगा और कुछ नहीं मैटर करेगा? हाँ सर, टुवर्ड्स है और अवे। तो फिर अगर मान लो मैंने कह रखा है वो मीन पोजीशन के राइट की तरफ है एंड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है तो प्लस पॉजिटिव होगा। गुड। अगर वो मीन पोजीशन के लेफ्ट की तरफ है और वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है तो नेगेटिव होगा। गधी लड़की हो, गधी लड़के हो, गधी लड़की हो, गधे लड़के, गधी लड़की, मीन पोजीशन के लेफ्ट की तरफ है मतलब डिस्प्लेसमेंट माने पोजीशन जो है वो नेगेटिव हो गया। हाँ। और वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गया क्योंकि मैंने आपको बोला वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो दोनों नेगेटिव है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। रटने का थोड़ी है, आप बस एनालाइज करके देखो ना, लेफ्ट राइट बस इतना ही तो करना है। ओके okay. एक और चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इक्वेशन से जो हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी का जो फेज एंगल है और पोजीशन का जो फेज एंगल है उसमें वेलोसिटी में एक्स्ट्रा पाई बाय 2 एडेड है, ये दिख रहा है आपको है या नहीं है? है नहीं है। और इसी की वजह से साइन जो है वो कोसाइन में कन्वर्ट हुआ। आप याद करो साइन और कोसाइन के ग्राफ में एक पाई बाय 2 का शिफ्ट होता है या नहीं होता? हाँ सर होता है। साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करती है जबकि कोसाइन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करती है ना? जब एक अपने जीरो वैल्यू पे होता है तो दूसरा अपने एक्सट्रीम वैल्यू पे होता है। एक्सट्रीम मतलब या तो प्लस 1 या तो माइनस 1, यही तो होता है ना? यस सर। इसका मतलब अगर पोजीशन 0 हुई तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ना? हुई नहीं हुई? हां सर। कोई एनालिटिकली इसको एक्सप्लेन कर सकता है? एनालिटिकली, मैथमेटिकली नहीं, एनालिटिकली। मैं कह रहा हूं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जस्टिफाई कर सकते हैं आप? एम्पलीट्यूड में तो थोड़ा थोड़ा उठ जा रहा था ना, तो उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा था वो। अगर थोड़ा थोड़ा उठ नहीं रहा है तो कोई ऐसा मोशन है जिसमें उठ ही नहीं रहा है तो ऑसिलेट कर रहा है बट उठ नहीं रहा है तो सर अगर फोर्सेस इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। फिर से बोलिए बेटा। So the restoring force is increasing with respect to the displacement. No, with the restoring force is increasing. No. So. Sir. हाँ बेटा बोलो अभी क्लास। Sir वो restoring force positive work करेगा। Restoring force positive work करेगा कब? जब वो लौट रहा है। जब लौट रहा है, हाँ अब सही बोला आपने। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। दैट्स इट। आप ये सोच के देखो कि अगर मैं रिस्टोरिंग फोर्स के नेचर की बात करता हूँ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया एंड देन छोड़ दिया, तो डिस्प्लेस करके अगर एक्सट्रीम एंड पे ले जाके छोड़ दिया है तो फोर्स उसको खींच के अंदर की तरफ ला रहा है ना, मीन पोजिशन की तरफ ला रहा है, नहीं ला रहा है? हाँ सर। फोर्स का मैग्नीट्यूड घट रहा है बट फोर्स तो हमेशा मीन पोजिशन की तरफ ही है ना, है ही नहीं है? Yes, sir. तो इसका मतलब एक्सट्रीम एंड से मीन पोजीशन तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक फोर्स एक ही डायरेक्शन में था या नहीं था? हाँ। तो वेलोसिटी बढ़ेगा या नहीं लगाता? Yes, sir. वेलोसिटी लगातार बढ़ा, कहां पे मैक्सिमम कहां पे हुआ? मीन पोजीशन पे। बट ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम क्यों बोला? क्योंकि अब यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो दूसरे साइड चला जाएगा। अब जैसे ही मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरे साइड गया, इस बार फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हुआ या नहीं? Yes, sir. और अगर फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो अब इसको डिसेलरेट कराएगा ना इंस्टेड, है नहीं? और डिसेलरेट कराएगा, इसका मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे मिला आपको? मीन पोजीशन पे तो मिला ना? Yes. तो जो चीज मैथमेटिक्स देखो सजेस्ट कर रहा है वही एनालिटिकली हम जस्टिफाई कर पाए या नहीं? हाँ सर। समझ आ रही है? तो मीन पोजीशन पे आपका मीन पोजीशन मतलब कि जो यू नो जहाँ पे नेट फोर्स जीरो था आपका, डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे आपका जीरो था, तो वहां पे आपका वेलोसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से दूर जाता जाएगा उसकी स्पीड घटती जाएगी, नहीं घटती जाएगी? राइट, घटती है। समझ आ रही है आपको? सो ये ऑब्जेक्ट जो है अगर मैं बोलूं कि सबसे तेज कहाँ पे मूव करता है, मीन पोजीशन के आसपास या मीन पोजीशन से दूर? आसपास। समझ आ रही है? जितना क्लोजर होगा ये मीन पोजीशन के उतना फास्ट मूव करेगा, और जैसे ये मीन पोजीशन से दूर जाता जाएगा वो उतना स्लो डाउन होता जाएगा। क्या आपको बात समझ आई है? एक चीज और नोटिस करो, सिंस पोजीशन साइन फंक्शन है, वेलोसिटी कोसाइन फंक्शन है,
पोजिशन साइन फंक्शन है, वेलोसिटी कोसाइन फंक्शन है, तो साइन कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है ना. हाँ सर. मतलब एक का वैल्यू अगर जीरो होगा तो दूसरा का या तो प्लस वन या माइनस वन, एक का वैल्यू अगर हाफ होगा तो दूसरे का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, एक का वैल्यू अगर वन बाई रूट टू होगा तो दूसरे का वैल्यू भी वन बाई रूट टू. कह सकते हैं नहीं कह सकते? हाँ सर. समझ आ रही है? तो अगर मैं देखो, अगर मैं तुम्हें बोलू कि ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजिशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो क्या वहां पे आप वेलोसिटी बता सकते हैं तुरंत? नहीं बता पा रहे हैं? देखो मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, कोई मैथमेटिक्स नहीं. मैंने क्या बोला, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, मतलब एक साइन तो दूसरा कोसाइन है. अब मैंने आपको ये बोल दिया कि पोजीशन जो है वो एम्पलीट्यूड का हाफ है, मतलब कि जीरो से ए बाई टू पे लोकेटेड है, यही तो बोला ना मैंने, राइट? अब एक्स की वैल्यू को हम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यूज कर रहे थे, तो अगर a sin omega t plus phi को अगर a by 2 लिखा है तो actually मैंने sin की value को ही तो half लिखा है ना? हाँ सर. हाँ. अगर sin का value half है तो cosine का value root 3 by 2 नहीं होगा क्या? हाँ सर. इसका मतलब velocity की value वहाँ पे कितनी होगी? root 3 by 2 times of maximum होगा या नहीं? Omega a. हाँ सर, omega a times root 3 by 2. देखो तुरंत निकल गया है, नहीं समझ आ रही है आपको? Yes sir. अगर मैंने बोला कि एक बार और बोलेंगे. हाँ, मैंने बोला कि अगर आप साइन की वैल्यू हाफ, समझ आई आपको? हाँ सर. अगर साइन हाफ है तो कोसाइन कितना होगा? रूट थ्री बाई टू. तो वी की वैल्यू कितनी लिखोगे आप? रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ ओमेगा ए नहीं लिखोगे क्या? हाँ वही तो है. और ओमेगा ए क्या था? मैक्सिमम वेलोसिटी था. हाँ ठीक है, थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ मैक्सिमम, वही तो बोला मैंने. अब सेम चीज से सोचो कि अगर मैंने बोला है कि पोजिशन जो है वो आपका ए बाई रूट टू पे है, पोजिशन ए बाई रूट टू है, मतलब कि a by root 2 पे पोजीशन है, तो इसका मतलब साइन का वैल्यू a by root 2 दे रखा, 1 by root 2 दे रखा मैंने आपको. और अगर साइन का वैल्यू 1 by root 2 है तो कोसाइन भी 1 by root 2 होगा ना? यस सर. इसका मतलब कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई? 1 by root 2 टाइम्स ऑफ v max. समझ आई आपको? हां सर. हां सर. ठीक है, तो यहां पे जो चीजें आप सीख रहे हैं वो चीज का ध्यान रखना. देखो इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मेरा मेहनत बर्बाद मत करना, ठीक है? So v max आपको यहाँ पे मिल रहा है ओमेगा ए, ठीक है? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको ध्यान रखेंगे, इसको डिराइव नहीं करेंगे हम. एंड ऑल्सो आपको क्या क्या चीजें आपको पता चल रही है यहाँ पे, एक तो ये मिला है, दूसरी एक और चीज आपको ये सीखने को मिली कि वेलोसिटी वेरीज सिंपल हार्मोनिकली, वेलोसिटी वेरीज सिंपल हार्मोनिकली हार्मोनिकली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड it is pi by 2 radians ahead in phase with respect to x. I hope आपको ये भी समझ आ गई है, क्योंकि इसमें extra pi by 2 add करना पड़ा ना. हाँ सर. ठीक है, इसीलिए आप ये ध्यान रखना कि फेज एंगल आपका जो निकलता है वो हमेशा साइन फंक्शन से निकलता है. तुम देखो मैंने कोसाइन को साइन में कन्वर्ट किया ना, दिख रहा है आपको? हाँ सर. फेज कभी भी आपका कोसाइन फंक्शन से नहीं निकालेंगे. अगर कोसाइन दे रखा है तो उसको पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे फिर फेज एंगल निकालेंगे. समझ आ रही है? यस सर. ठीक है, फेज एंगल इज ऑलवेज डिटरमाइंड फ्रॉम साइन फंक्शन, ये ध्यान रखना, इज ऑलवेज डिटरमाइंड फ्रॉम साइन फंक्शन. Hence, if cosine function is given, then convert it into sine function, using cos theta equal to sine of 90 degree plus theta. बस ही ध्यान रखना. ओके, और क्या चीज आपको अच्छी चीज सिखाई यहाँ पे? सिंस साइन एंड कोसाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, सिंस साइन एंड कोसाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स
which are used to represent position and velocity respectively. Thus, we can say that if one of them reaches zero value, then the other attains maximum value. अब इसमें क्या क्या चीजें आपको बताई यहाँ पे एट x इक्वल टू जीरो v की जो वैल्यू होगी दैट विल बी प्लस माइनस ऑफ ओमेगा a. एट x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ a बाय टू v की वैल्यू विल बी प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ ओमेगा a. एट x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ a v will be plus minus of half of omega a. At x equal to a plus minus of a, v will be equal to zero. देखो आपको सारी समझ आ गई है सर, है ना? क्लियर है सारा? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. ओके. एक और चीज़ जो आपको बताई, acceleration dot position is always positive since acceleration is always opposite to उल्टा लिख दिया ना मैंने, negative होगा ना, negative. Acceleration dot position is always negative since acceleration is always opposite to position, but v dot x may be positive as well as negative depending on its location and direction of motion. Location with respect to mean position, obviously with respect to mean position and its direction of motion. एक और चीज जो आपको बताई, क्या एक और चीज बताया था, भूल गया मैं. हाँ, जो मीन, वो सबसे फास्टेस्ट कब ट्रैवल करता है, मीन पोजीशन के आसपास, है ना? हाँ सर. द पार्टिकल इन एसएचएम ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन एंड अराउंड मीन पोजीशन of oscillation. It gradually slows down as it moves away from mean position. due to restoring nature of force. चलो ये तो हो गया. एक और चीज देखो, आपको वेलोसिटी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो दिखा दिया है. वेलोसिटी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और साइन की पोजीशन की वैल्यू हमने निकाली थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. एक बार मैं उसको फिर से लिखता हूँ. अब देखो यहाँ पे एक और रिलेशन बनाएंगे. एक्स की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाज ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड वेलोसिटी का वैल्यू हमने निकाला था ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके, अगर मैं ये लिखूं, देखो एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस v square by omega a का square, क्या ये वन आना चाहिए हमेशा?
आना चाहिए नहीं? हाँ सर। इसका मतलब पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का जो वेरिएशन है वो कैसा है? इलेप्टिकल वेरिएशन है ना? हाँ सर। है ना? वेलोसिटी का टाइम के साथ साइनसोइडल वेरिएशन है, बट वेलोसिटी का पोजीशन के साथ कैसा है? इलेप्टिकल है। दिख रही है आपको? हाँ सर। एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ कैसा था? लीनियर था, याद है आपको? एक्सेलरेशन वाज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स था ना। वेलोसिटी वेरीज, वेलोसिटी वेरीज एलिप्टिकली, एलिप्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, तो इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो कैसा दिखना है देखो, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन ले रहे हैं और यहाँ पोजीशन ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन थी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, तो नेगेटिव स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे कुछ होगा ना? होगा। अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, तब जब पोजीशन सबसे ज्यादा होगा तब एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा होगा ना, होगा नहीं? So, अगर x की वैल्यू माइनस a डाल दें तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? ओमेगा स्क्वायर a, होगा नहीं? और सिमिलर तरीके से यहाँ पे अगर प्लस a डाल दें तो भी एक्सेलरेशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में मिल जाएगा, उसको एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक्सेलरेशन का नेगेटिव जो है वो बस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, मैग्नीट्यूड तो आपका ओमेगा स्क्वायर ही है ना। तो अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू अगर मैंने दे दिया आपको और एम्पलीट्यूड दे दिया है, तो ये एंगल थीटा को आप निकाल सकते हो ना, टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए मैक्स डिवाइडेड बाय ए, यही तो आएगा ना? दिख रही है आपको? दिख रही है? हाँ सर। और ये वाली क्वांटिटी क्या है आपकी? ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यहाँ से आप टाइम पीरियड तो निकाल सकते हैं ना, टू पाई बाई रूट अंडर टैन थीटा करके, कर सकते हैं? नहीं है ना? हाँ सर। Okay, एक और चीज देखो आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को अगर प्लॉट करता है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक बार वेलोसिटी को प्लॉट कर लेते हैं, वेलोसिटी को एक बार ड्रॉ कर लेना। सो यहाँ पे हमारा एक एलिप्स ड्रॉ होना है, this is v and this is x, इसके बीच में एक एलिप्स, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिपेंड करता है ओमेगा की वैल्यू पे। ये चेक करो x का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको थोड़ा सा ब्रॉडन कर लेते हैं, एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? प्लस ए है ना, राइट? अगर आप देखोगे प्लस ए पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। यस सर। राइट, क्योंकि वो एक्सट्रीम एंड है। बट वही अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो पे देखोगे तो वेलोसिटी आपके दो दिख रहे हैं, देखो एक है वी मैक्स में प्लस में मतलब प्लस ओमेगा ए, और एक माइनस में माइनस ऑफ ओमेगा ए। वो तो डिपेंड करता है ना किधर से किधर जा रहा है, वो मीन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट जा रहा है या मीन पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बस प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा, बट मैग्नीट्यूड तो उसका ओमेगा ही रहेगा। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। और नेगेटिव एक्सट्रीम एंड आपका माइनस ए हो गया। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। अच्छा इसी इक्वेशन को देखो, ये जो हम देख रहे हैं वी स्क्वायर बाय ओमेगा ए का स्क्वायर इज सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू वन जो हमने लिखा है, इसी को अगर रीअरेंज करें तो देखो तो क्या ये बनेगा क्या? देखो तो v कैन बी रिटन एज ओमेगा इनटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो तो ये बन रहा है क्या? एक बार चेक करो, बन रही है क्या? हाँ सर। बन रही है। इसको यूज करके एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसमें देखो आपको अगर x की वैल्यू पता हो तो आप डायरेक्टली v की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे x की वैल्यू मैंने a by 2 डाल दिया, x की वैल्यू a by 2 डालो, देखो तो v का वैल्यू कितना आ रहा है?
x की वैल्यू a by 2 डालो, देखो v की वैल्यू कितनी आ रही है। सर root 3 by 2 omega। root 3 by 2 आ रही है? हाँ है ना? root 3 by 2। हाँ that's it। और वो आना चाहिए था नहीं, expected था ना? हाँ सर। ठीक है, आप और कोई भी वैल्यू चेक करके देख लो, जैसे x का वैल्यू a by root 2 डाल दो, x का वैल्यू a by root 2, देखो v का वैल्यू omega a by root 2 आ रहा है नहीं? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, तो वो आना ही है। ठीक है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो तो आपको पता है साइन और कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अभी एक और चीज देखो, अभी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं। ठीक है, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन नहीं, ये तो तुरंत ही निकल जाएगा। ए की वैल्यू हमने निकाल रखी थी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो पता है, सब्स्टिट्यूट कर दे, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, कैसा लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है? तो अगर आप देखोगे तो ये भी साइनसोइडल फंक्शन आ गया ना, आ गया नहीं? इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो मतलब निकला है ना? यस सर। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इनटू ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई प्लस पाई, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, इसका मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पाई बाय 2 लीड करता है और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पाई बाय 2 लीड करता है और पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पाई लीड करता है। समझ आ रही है आपको? हाँ, समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे भी दिख रहा है आपको, ओमेगा स्क्वायर ए आ रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, सो देयरफॉर यहां पे आपको ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ये ऑलरेडी मैंने आपको वहां भी समझाया था बट यहां पे फिर से एक बार बता दिया। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो आपको बोली वो ये, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन SHM, पार्टिकल इन SHM वेरीज सिंपल हार्मोनिकली, हार्मोनिकली टू एंड हैज अ फेज व्हिच लीड्स by pi by 2 radians with respect to velocity and pi radians with respect to position. समझ आ गई सभी को? ठीक है, एक चीज अगर आप देखोगे तो acceleration जो है, acceleration ये भी तो वेरिएबल ही है ना, क्योंकि पोजीशन टाइम उस पर डिपेंडेंट है नहीं है? हाँ सर। तो SHM यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रिजल्ट्स आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये भी निकलता है कि सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स भी अगर आप कंसिडर करते हो तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये लॉजिक भी यूज करना नहीं होगा, है नहीं है? हाँ सर। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स ये भी नहीं लगा सकते, है ना? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स किसमें निकलता है? कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में, तब जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है ना? हाँ सर। और यहाँ पे तो पार्टिकल वैसे भी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में नहीं है, तो गैलीलियोज लॉ वगैरह भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, SHM is a case of non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Hence, never use equations of UAM. Uniform acceleration equation नहीं use करेंगे, ठीक है? UAM मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के इक्वेशंस। तो क्लियरली ओके, अब मैं आपको वो सिग्निफिकेंस समझाता हूं जिसमें जो मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। फेज और
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उन सब का मतलब. इसके लिए मैं आपको एक कंपैरिजन का एक चार्ट बना के दे रहा हूं. सो कंपेयरिंग SHM with projection of UCM. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका SHM का अंडरस्टैंडिंग के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है. काफी इंटरेस्टिंग है ये. देखो इसमें बस कुछ बेसिक चीज है. वो बेसिक चीज करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ. पहले डायग्राम दिखाता हूँ, फिर वो बेसिक चीजों पे बताएंगे. वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है मैंने जानबूझ के वहां पे. थोड़ा सा एक चीज आपके लिए बनाना है पहले मुझे. जस्ट अ सेक. ठीक है. देखो आप इसको जैसे ऐसे विजुअलाइज करो कि जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल में मैंने एक पार्टिकल ले रखा है जिसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करा रहा हूं. अगर आप देखोगे तो टी इक्वल टू जीरो पे मैंने देखो सर्कल पे एक पार्टिकल को लोकेट किया. दिख रहा है आपको? दिख रही है? और उसको सेंटर से एक रेडियल वेक्टर से ड्रॉ किया है और उस पे एक यू नो एक वैल्यू मार्क कर रखा है ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमना स्टार्ट कर रहा है. और इस पार्टिकल का एक इनिशियल एंगुलर पोजीशन है जिसको मैंने फाइव मार्क किया है. दिख रहा है आपको? यस सर. ठीक है. टाइम टी के बाद ये कितना एंगल घूम जाएगा? ओमेगा टी. यस सर. हां सर. ये देखो ये एंगल को मैंने ओमेगा टी दिखा दिया. ठीक है. अब साथ में एक और चीज मैं कर रहा हूँ. जैसे पार्टिकल जैसे जैसे अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है. देखो जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला जो पार्टिकल है वो जैसे जैसे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो शैडो है. शैडो कहने का मतलब क्या है? देखो जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर मैंने ड्रॉ किया है उस हॉरिजॉन्टल डायमीटर में मैं क्या कर रहा हूँ? इस पार्टिकल का शैडो ले रहा हूँ. शैडो लेने के लिए ऑब्वियसली मुझे यहाँ से लाइट सोर्स लगाना पड़ेगा. तो आप इमेजिन करो कि मैंने यहाँ से लाइट सोर्स भी लगा रखा है. ठीक है. जैसे ऐसे इमेजिन करो यहां से ये देखो. आप इमेजिन करो यहां से मैं लाइट थ्रो कर रहा हूं यहां से. तो लाइट थ्रो करोगे तो नीचे शैडो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा. देखो तो t इक्वल टू जीरो पे जो शैडो होगा क्या नीचे में सही ड्रॉ किया मैंने? क्या है सही? हाँ सर. डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ? डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ? डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ? डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ठीक है. देखो शैडो का और सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल दोनों का देखो सेम मैच करना चाहिए डायरेक्शन. दिख रहा है? हाँ सर. पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में वो भी राइट की तरफ जा रहा है और शैडो भी देखो राइट की तरफ जा रहा है. दिख रहा है? सेकेंड जो t इक्वल टू t पे मार्क किया है उसको भी देखो आप. ये t इक्वल टू t का लोकेशन है. ठीक है ना ये? अच्छा ठीक है. ओके अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो. नाउ इफ दिस रेडियस इज a से. ठीक है. ये रेडियस को मैं a मान रहा हूं. अच्छा इसको a मान रहे. लेट अस से दिस इज a. तो इनिशियल पोजीशन उसका कितना है ये बताएंगे? व्हाट इज इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस शैडो? व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस शैडो? नहीं दिख रहा. ए साइन फाइ. ए साइन फाइ कॉमा ए कॉस फाइ.
ए साइन शैडो की बात कर रहा हूँ बेटा, शैडो का सिर्फ ए साइन फाइव, ए साइन फाइव. और टाइम टी पे दिख रहा है आपको ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिख रहा है. देखो ये वाली एंगल देखो, चेक करो ये वाली एंगल देखो कितनी है, ओमेगा टी प्लस फाइव है या नहीं. तो इसका मतलब ये रेडियस तो चेंज नहीं किया, तो ये लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. कैन दिस बी रिटन एज दिस? यस सर. अब ये सोच के देखो, a sin omega t plus phi is used to represent the motion of the shadow of the particle performing UCM. फिर से बोल रहा हूँ, a sin omega t plus phi is used to represent the motion of the shadow of the particle in UCM. करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? करेक्ट बोल रहा हूँ? हाँ. And a sin omega t plus phi is the motion of SHM equation. Yes, sir. इसका मतलब shadow is performing SHM. इसका मतलब every particle which performs an SHM, हम correspondingly उसको किसी एक particle जो कि uniform circular motion में उसके shadow की तरह देख सकते हैं. फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा particle जो SHM कर रहा है, क्या इस SHM को मैं किसी दूसरे particle का शैडो की तरह देख सकता हूँ? हाँ सर. राइट, बस मुझे कुछ चीजें मैच करानी पड़ेगी. क्या मैच कराना पड़ेगा? SHM का जो एम्पलीट्यूड होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रेडियस होना चाहिए. हाँ सर. दूसरा, जो SHM का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए. हाँ सर. जो SHM में आप इनिशियल फेज कह रहे हो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका इनिशियल एंगुलर पोजीशन होना चाहिए. हाँ सर. सर, जो हम इंस्टेंटेनियस फेज फॉर SHM कह रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन फॉर UCM होना चाहिए. हाँ सर. अब तो मैच किया सारी चीज, समझ आ रही है? आर यू गेटिंग इट? यस सर. अब देखो, तुमको इनिशियल फेज ना बहुत जल्दी समझ आएगा. देखो, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ एक पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट करने का मतलब है जो सर्कुलर मोशन का जो पार्टिकल है वो इस वर्टिकल डायमीटर में टॉप एंड पे. तो एंगल फाई कितना आया? जीरो डिग्री. जीरो डिग्री. हाँ, इसका मतलब पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है टी इक्वल टू जीरो पे, तो उसका इनिशियल फेज कितना लेना है आपको? जीरो. जीरो. समझ आई? अगर सपोजली मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल मीन पोजीशन से नहीं, वो अपने एक्सट्रीम एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है टी इक्वल टू जीरो पे, तो इनिशियल फेज कितनी लेंगे आप? 90 डिग्री. पाई बाय 2. पाई बाय 2. यस. समझ आ रही है? अब अगर मैं अगर सोचो इनिशियल फेज आपने पाई बाय 2 लिया, तो इक्वेशन क्या लिखा आपने? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. यस सर. हाँ सर. क्या ये cos omega t हो गया? Yes sir. और अगर सोचो position cos omega t लिख रहे हो, तो t equal to zero पे, t equal to zero पे value extreme आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है. ये cos omega t लिखा और t की value zero डाल दिया, तो cos zero तो one हो गया ना? हाँ सर. तो इसका मतलब किसी ने अगर आपको बोला कि SHM में हम position की equation को use करने के लिए साइन फंक्शन भी यूज करते हैं, कोसाइन फंक्शन भी यूज करते हैं, तो सही कह रहा है ना? क्योंकि वो दोनों फंक्शन तो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है. बट अगर कोई प्रेफरेंस की बात करे कि कौन सा प्रेफर करते हैं आप, तो हम बोलेंगे कि अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो साइन ओमेगा टी ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि फाइव जीरो है. और अगर एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है तो कॉस ओमेगा टी प्रेफर करेंगे. क्यों? क्योंकि फाइव की वैल्यू पाई बाय टू है वहां पे. आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हां सर. Getting it everybody? Yes sir. समझ आ रही है सबको? Yes sir. हाँ sir. ठीक है. अच्छा, ये source of light सिर्फ आपको ऊपर नहीं, आपको नीचे भी तो imagine करना है, क्योंकि ये particle कभी तो घूम के first quadrant से fourth quadrant पे भी आएगा ना, जो circular motion का दिखा रखा है हमने. हाँ sir. और उस case में आपको light source कहाँ लगाना पड़ेगा? नीचे. हाँ sir. तो आपको ये जो light source आपको दिखाना है, नीचे भी दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ताकि आपके नीचे से भी आप shadow cast कर सके.
ये लाइट के सोर्स हैं, आप लिख लीजिएगा वहां पे, ठीक है? दीज आर लाइट सोर्स, ऊपर में भी और नीचे में भी, सोर्स ऑफ लाइट. एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी एसएचएम में, वो डिफरेंशिएट करके निकाला था, है ना? एक बार बिना डिफरेंशिएशन का ट्राई करते हैं, ठीक है? बस इस क्वाड्रेंट पे आप नोटिस करो थोड़ा, ये जस्ट ज्योमेट्रिकली आपको करना है. एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है ओमेगा है, एम्पलीट्यूड आपको पता है ए है, तो सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसका लीनियर वेलोसिटी कितनी लिखेंगे हम? ओमेगा ए. Yes, sir. This velocity is linear, omega A. Okay, ये चेक करो, ये वाली एंगल कितनी है? Phi है क्या? हाँ सर. तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हुई अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? ओमेगा cos phi हो जाएगा. अच्छा ये यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, एक ही बार वहीं लिख देते ना. चलो ठीक है, anyways, ये दो बार करना हो गया. चलो सेम तरीके से यहाँ पे भी ये वेलोसिटी के मार्क करें. देखो ये वाला एंगल है आपका ओमेगा टी प्लस फाइव, ये है ओमेगा ए, सो दिस बिकम्स ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. दिख रही है आपको? दिख रही है? अब ये बताओ मुझे, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मैंने कंपोनेंट निकाला है, क्या शैडो का वेलोसिटी वही नहीं होना चाहिए? है ना, क्योंकि शैडो का वेलोसिटी अगर कम हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शैडो तो उसी से बन रहा है ना, तो दोनों तो पैरेलल ही चलेगा ना हमेशा, राइट? इसका मतलब ये वेलोसिटी आपको मिल गया ना, ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. क्या मैंने इसमें कोई डिफरेंशिएशन किया? नहीं. अच्छा ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं. ये चेक करो, जो सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन कितना बोलेंगे हम? ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि ओमेगा स्क्वायर ए होगा सेंटर की तरफ, राइट? अब इस एक्सेलरेशन का कॉम्पोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाले, तो ये एक्सेलरेशन क्या बोला हुआ है बताओ? व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. देखो तो आ रहा है क्या? आ रहा है सर. और ये डायरेक्शन में किस तरफ है? उल्टे तरफ है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी? दिख रही है ना आपको? हां सर. तो वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा आ रहा है, दिख रहा है आपको, है ना? यस सर. ठीक है, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट्स इट. Got it. देखो मैंने जो चीजें मैथमेटिकली डिफरेंशिएट करके निकाला था वो सारी चीजें यहाँ पे जस्ट ज्योमेट्री से ही दिखाया है. समझ आई सबको? हाँ सर. एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया आपको? अच्छा एक चीज और देखो, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने एसएचएम में 2 पाई बाय ओमेगा करके निकाला था, बहुत लोग मतलब कंफ्यूजन में भी थे कि, चलो ठीक है कैसे आ रहा है समझ नहीं आ रहा, बट सर ने बोला है तो चलो मान लेते हैं. बहुत लोगों को ऐसा भी लगा होगा, बट देखो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ, देखो उससे आपको 100% सही है, स्टार्ट हो जाएगा. देखो पार्टिकल, देखो स्टार्ट कहाँ से कर रहा था, देखो एक बार चेक करो. एसएचएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एसएचएम में पार्टिकल स्टार्ट देखो यहाँ से कर रहा, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फिर एक्सट्रीम एंड जाएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, फिर वापस से यहाँ जाएगा. दिस इज वन ऑसिलेशन ना? यस. ओके, अगर ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो जो सर्कुलर मोशन में है वो यहाँ से घूम के आके, यहाँ से घूम के आके यहाँ पहुंच गया एक बार. हाँ सर. ठीक है, अगर एसएचएम तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट सर्कुलर मोशन तो यूनिफॉर्म है या नहीं यहाँ पे? हाँ सर. तो सर्कुलर मोशन में इट कवर्स इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो 2 पाई घूमने में उसको कितना टाइम लगेगा? 2 पाई बाय ओमेगा, दैट्स इट. इट वाज एज सिंपल एज दैट. समझ आया आपको? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. लीनियर मोशन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो एसएचएम है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बट एंगुलर मोशन जो हम देख रहे हैं जिसका प्रोजेक्शन आपका एसएचएम है, वो तो यूनिफॉर्म है ना? एंगुलर मोशन मतलब जो है, मतलब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, वो तो यूनिफॉर्म है ना? हाँ सर. ठीक है. हाँ, सर. तो उसमें अगर एंगल्स की बात करें तो इक्वल एंगल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वो कवर करेगा. लीनियर डिस्टेंस की बात करें तो अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट एंगल्स की बात करें तो सेम फेज एंगल का चेंज आएगा इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. समझ आइए सभी को?
आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस कंपैरिजन प्लीज आपको ये कंपैरिजन समझना है बेटा अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो जहां पे भी नहीं समझ आ रही है ये कंपैरिजन आपको समझ के रखना है क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको इतना मेहनत करके नहीं समझाऊंगा मैं जल्दी जल्दी यूज करूंगा सारे रिजल्ट्स को आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मुझसे पूछ लो सर क्या वो आप ओमेगा स्क्वायर ए साइन विद इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाइ वाला वो पार्ट समझा सकते हो एकदम डाउनवर्ड वाला पार्ट वो तो प्रोजेक्शन से ही आया ना अब अगर ये एक वेक्टर है इस वेक्टर का इधर का कंपोनेंट लिया बस ये तो क्या है अच्छा ये वेलोसिटी की वाली बात कर रहे हैं ना या एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं सर वेलोसिटी वेलोसिटी में कोसाइन फंक्शन है साइन फंक्शन नहीं है ये है ओमेगा ए ये है ओमेगा टी प्लस फाइव तो इधर का कंपोनेंट कितना लिखते हो आप ये है ए ये है थीटा ये कंपोनेंट कितना लिखते हो आप साइन साइन और कॉस किधर लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल अच्छा मतलब इधर इधर लिखते हैं कोसाइन अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू बताना एक बार कॉस थीटा की वैल्यू बताना एक बार अरे एक राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू तो बता सकते हो ना यार कैसा लड़का है पूछता है फिर उसके बाद फिर इंटरैक्ट करना ही बीचों बंद कर देता है पता नहीं कौन से दुनिया से आया है उफ। अब फिर थोड़ी देर बाद भी बोलेगा माइनस थीटा क्या 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पे बोलोगे 90 माइनस थीटा मैंने पूछा कॉस थीटा का वैल्यू कितना है तो 90 माइनस थीटा ओ cos 90 अच्छा सर वो जीरो होगा अरे मैं बोल रहा हूँ कि cos थीटा का वैल्यू कितना है यार तुम क्वेश्चन भी कुछ नहीं पूछ सुनते हो क्या यार उफ ये ए बी सी एक ट्रायंगल में दिखा रखा है राइट एंगल ट्रायंगल इसमें पूछ रहा हूँ cos थीटा की वैल्यू कितनी है यार हद है यार अभी आपको cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ये भी नहीं पता मैं क्या आपको सिखाऊंगा यार देवांजन सर b बाय a हाँ यार बेस बाय हाइपोटेन्यूज अब मैंने बोल दिया अब तुम क्या b बाय a बोलोगे बेस और हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली आपको पता होगा आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको ये सब बताऊं कि कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैसे करेंगे यार हम बताओ नहीं मैं वैल्यू खोज रहा था वो कौन सा वैल्यू खोज रहे हो यार ये ट्रायंगल में मैंने सारा मार्क करके रखा हुआ है अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब ऐसे ही पूछेंगे क्या कि cos थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो अब यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ये क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे क्या फिर कहां से तुमको कुछ कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन समझ आएगा तुमको ज्योमेट्री नहीं आता यार राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगा क्या मैं बोलूं यार क्या समझोगे तुम पूरा चैप्टर से क्लास 11 खत्म हो गया तुमको अभी कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन लेना नहीं आता यार कैसे बात करते हैं उफ।
देखो cos theta की वैल्यू को हमने क्या लिखा है, b by a लिखा है, जो तुमने बोला base by hypotenuse देखो वही लिखा है, base by hypotenuse देखो वही लिखा है, देखो चेक करो b by a, चेक करो। अब बोलेगा भी नहीं कुछ, दिवंजन बेटा प्लीज इंटरैक्ट कर लो यार। हाँ सर समझ में आया अभी, मुझे पता नहीं आप कौन से दुनिया में है, प्लीज मेहनत करना स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं है ध्यान है आपको, कुछ भी नहीं आता है, नहीं आता ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक इंडिफरेंट वाला एटीट्यूड हो जाना। मैं भी कभी क्लास यू नो 11th में जब जस्ट आया था ना, तब मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कई बार आपसे लोगों से शेयर कर चुका हूँ ये, आप अगर लेट से ज्वाइन किए तो आपको नहीं पता होगा, बट ये मैं मुझे भी कभी नहीं आता था 11th में प्रमोट हुआ था तो, बट मेरा एटीट्यूड ऐसे इनडिफरेंट वाला बिल्कुल नहीं था कि हाँ चलो ठीक है चल रहा है, नहीं आता है तो नहीं आता है क्या है इससे, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट था आपसे, बहुत डिफरेंट था कि नहीं आता है तो जानना है चीजों को, ये एक एटीट्यूड है, और उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि जब मन करे टीचर से हर बार यू नो क्लास अगर 11 का एंड चैप्टर चल रहा है तो मैं फर्स्ट चैप्टर पे पहुंच के उसके भी यू नो क्वेश्चंस पूछता रहूं, ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी तरफ से मेहनत करना होता है। आप अपनी तरफ से मेहनत एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और सोचते हैं कि टीचर जब 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 पूछते जाऊंगा टीचर से तब तब बोलता रहे बस, टीचर बस इतने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिस विल नेवर टेक यू एनी प्लेस, मतलब कोई भी अच्छे जगह पे तो आप इससे नहीं पहुंच सकते, इस एटीट्यूड से तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको शॉर्टकट्स चाहिए, आपको जल्दी जल्दी कोई अच्छे यू नो तरीके चाहिए जिससे आप जल्दी से तुरंत एक्सेलरेट करके ग्रोथ में चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। जो लोग साल भर मेहनत कर रहे हैं वो बेवकूफ थोड़ी है कि साल भर मेहनत करके अच्छा रिजल्ट करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, आपको साल भर मेहनत करने का वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा, नॉट वंस इन अ ब्लू मून। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर कोई उस तरह के आपके जैसे लोग के लिए है ये इंस्ट्रक्शन जो कि मेहनत करना कम चाहते हैं। यू डोंट एक्सपेक्ट सम अ टीचर टू यू नो टीच यू साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट दिस स्टेज, यू नेवर एक्सपेक्ट दिस। अगर क्लास 11 स्टार्ट होता तब भी एक बार तो जरूर मैं बताता हूँ, वहां पे क्लास 11 का स्टार्ट होता है तब बता देता, बट क्लास 11 खत्म होने को आया अभी कैसे, मतलब दिस इज हाइट्स ऑफ यू नो माने डाउट्स, मतलब हद है यार। Okay, anyways. So comparing SHM with projection of UCM. चलो इसको जल्दी से एक बार लिख लेते हैं। Any particle executing SHM can be seen as a projection or shadow of another particle in UCM. Any particle executing SHM can be seen as a projection or shadow of another particle in UCM, where the shadow is taken along the diameter, where the shadow is taken along the diameter. The following analogy has to be kept in mind. क्या क्या एनालॉगी है, UCM and SHM. UCM में जो सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन है वो SHM में क्या है बताओ, मीन पोजीशन। गुड, मीन पोजीशन। आपको जिनको भी नहीं समझ आए वो आप पूछेंगे, ठीक है, मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, जो भी रिस्पॉन्ड करेगा मैं अगर वो सही कह रहा है तो मैं बता दूंगा सही है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। किसी को कंफ्यूजन है सेंटर को मीन पोजीशन, देखो एक बार चेक करो। नहीं सर।
नहीं सर ठीक है तो सेंटर वाज मीन पोजीशन ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो रेडियस है एम्पलीट्यूड गुड गुड यू आर गेटिंग इट ओके यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या फिस क्यों गए चुप क्यों गए सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओके यहां पे जो एंगुलर पोजीशन है फेज एंगल इनिशियल फेज एंगुलर पोजीशन तो इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है इनिशियल भी हो सकता है तो इसको क्या बोलेंगे फेज एंगल है ना यस इनिशियल एंगुलर पोजीशन बोलेंगे तब फेज एंगल बोलेंगे है ना ओके सर बट ये एंगुलर पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस लाइन है ना है ना ऑब्वियसली एंगुलर पोजीशन तो आपको किसी रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर करना पड़ेगा तो रेफरेंस लाइन हमारा फेज एंगल के लिए ध्यान रखना ये वाला है ठीक है ना रेफरेंस लाइन फॉर फेज एंगल मेजरमेंट समझ आ रही है सभी को ठीक है सो एंगुलर पोजीशन भी हो गया इनिशियल फेज अगर बोले तो अच्छा नहीं इनिशियल फेज तो नहीं यहाँ पे इनिशियल एंगुलर पोजीशन हो जाएगा ये इनिशियल एंगुलर पोजीशन ये क्या होगा एपोक है ना होगा ना इनिशियल फेज एंगल हो जाएगा और कोई कंपैरिजन जो बचा हुआ है सर एंगुलर वेलोसिटी यहां पे हो गए सारे तो हो गए है ना सारे हो गए ठीक है बस ये कंपैरिजन आपको ध्यान रखनी है अच्छा देखो कितने लोगों को समझ आ रही है मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ देखो कितने लोग कर पाते हैं The particle in SHM moves towards mean position at t equal to 0 and is located at x equal to plus a by 2. Find its initial phase. बताओ क्या आएगा? Initial phase क्या आएगा? Sir बता. बोलिए बेटा. Sir 30 degree. नहीं गलत है. आपको पता है आपने क्या चीज का ध्यान नहीं रखा चल मूविंग टुवर्ड्स हाँ आपने वो चीज का तो ध्यान ही नहीं रखा 30 डिग्री कब होता आपको पता है मूविंग अवे तो इसलिए फेज डिटरमिनेशन के लिए क्या सिर्फ पोजीशन इंपॉर्टेंट है या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन और पोजीशन डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें फेज एंगल निकालना हो हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले प्रोजेक्शन वाले कंसेप्ट से करिए ठीक है उसने क्या दे रखा है पोजीशन कहां पे पहले ये सोचो पोजीशन कहां पे a by 2 तो a by 2 वाला लाइन मैंने देखो ड्रॉ किया है ये a by 2 वाला लाइन पे सर्कुलर मोशन में एक ही पोजीशन पॉसिबल है या दो पोजीशन पॉसिबल है सबको दिख रहा है सबको दिख रहा है दो पोजीशन दिख रही है सबको दो पोजीशन ये देखो एक तो ऊपर वाला पोजीशन है बट ऊपर वाला पोजीशन तो तब होता
जब ये पार्टिकल किधर जा रहा होता, अवे फ्रॉम मेन पोजिशन, दिख रही है? और नीचे वाले पोजिशन में देखो, वो तब होगा जब वो टुवर्ड्स मेन पोजिशन जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, नीचे वाला। दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम मेन पोजिशन। And this is coming towards mean position. ठीक है, तो phase angle obviously आपका नीचे वाले से मिलेगा। अब तो simple geometry है, देखो ये वाली length a है और ये वाली length a by 2 है, तो isn't it obvious कि ये वाली angle 60 है? देखो तो दिख रही है? हाँ sir। अब अगर ये 60 है तो पक्का है इधर वाला angle भी 60 है। Yes। और ये एंगल कितना है, 30 है। और फेस तो आपको पता है कि पूरा का पूरा आपका रेफरेंस लाइन से लेना है, तो रेफरेंस लाइन ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में फेस एंगल आपका ये होगा। दिख रही है आपको, दिस इज द फेस एंगल? यस सर। यस सर। सो फाई कितना हो गया आपका, 150 डिग्री, व्हिच इज कैन व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज 150 डिवाइडेड बाय 180 इनटू पाई, सो व्हिच इज 3 पाई बाय 6 हो जाएगा। क्या लिख दिया, सॉरी 5 pi by 6 रेडियंस में। गॉट इट? यस सर। इसके SHM का इक्वेशन अब लिख सकते हैं, सो देयरफॉर x के वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, a sin omega t plus 5 pi by 6। समझ आई सभी को? यस हां सर। ठीक है, एक और ट्राई करें? हाँ सर। एक और ट्राई करें या फिर छोड़ दें? हाँ सर। यस सर। ओके, एक और ट्राई करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एट टी इक्वल टू जीरो and has a time period of capital T. Find the time it takes to move from x equal to 0 to x equal to a by 2 and dusra x equal to a by 2 to x equal to a. बताओ क्या है आंसर? बोलो बेटा। सर पहला वाला टी बाई 12 और सेकंड वाला टी बाई 6 जस्टिफाई करो। सर पहले वाले में 30 डिग्री घूम गया क्योंकि ए बाई 2 पे पहुंचना पड़ा। परफेक्ट, इसलिए वो 2 पाई बाई 12 मतलब टी बाई 12 और उसके बाद और 60 डिग्री चलना पड़ेगा, इसलिए डबल टाइम हो जाएगा यूनिफॉर्म के अनुसार, इसलिए टी बाई 6। परफेक्ट है, परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सबको समझ आई या नहीं आई? देखो t equal to 0 पे तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज t equal to 0। उसके बाद उसने कह रखा है एक पोजीशन है जो x equal to a by 2 का है, तो a by 2 वाला लोकेशन मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहुंचने का हमें टाइम निकालना है, तो लेट अस से सॉरी यहाँ पे पहुंचने का टाइम निकालना है, लेट अस से दिस इज टाइम t equal to t1, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में सोचे तो यहाँ पे पहुंचने का टाइम t1 है। तो अगर आप देखोगे तो मुझे कितना एंगल घूमना है, यही तो निकालना है, ये एंगल देखो तो चेक करो,
ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि सिंस बेस एंगल आपका बेस का लेंथ a by 2 है और ये डिस्टेंस a है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो था ये आपका 60 डिग्री था या नहीं तो ये 30 था ना उसका वाला एंगल तो t1 टाइम में उसने कितना एंगल घुमाया 30 डिग्री राइट एंड 30 डिग्री इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंप्लीट सर्कल 1/12 यस सर एंड 1/12 ऑफ फ्रैक्शन ऑफ कंप्लीट सर्कल इसका मतलब t by 12 ही तो लगेगा ना राइट क्योंकि सर्कुलर मोशन तो यूनिफॉर्म है एंड दूसरा अगर आप देखोगे तो a by 2 से जो उसको एक्सट्रीम a पे जाना है ये टाइम को अगर मैं t2 मान लेता हूं तो टोटल टाइम आपका t1 plus t2 हो जाएगा तो सेकंड हाफ में जो उसको एंगल कवर करना है वो 60 डिग्री कवर करना है ना राइट लीनियर डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो सेम कवर किया है लीनियर डिस्टेंस सेम कवर किया है नहीं पहले भी a by 2 कवर कर रहा है बाद में भी a by 2 कवर कर रहा है बट सेकंड हाफ में तो वो स्लो डाउन हो गया ना सेकंड हाफ में स्लो डाउन हो गया है टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है क्योंकि देखो एंगल भी तो ज्यादा कवर कर रहा है दिख रहा है आपको तो t1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी दिस विल बी t/12 एंड t2 की वैल्यू बेसिकली आपकी t/6 है इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद भी रखते हैं कि मेन पोजीशन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम एंड जाने में आपको t/12 लगता है एंड फिर हाफ ऑफ मेन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड जाने में उसको t/6 लगता है ठीक है यूज देम एज स्टैंडर्ड रिजल्ट ठीक है यस सर सबको समझ आई है यस हां सर हां सर चलो ठीक है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा इस तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस करके आप ट्राई करना एंड उसके बाद फिर हम उसको थर्सडे को डिस्कस करेंगे ठीक है क्लास में डिस्कस करेंगे ओके ओके सर ओके बेटा चलो फिर आज का क्लास ओवर अप करते हैं ओके ठीक है अभी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना इसी चीजों को नहीं तो फिर भूल जाओगे ये सारी चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना क्योंकि ये थोड़े सा डिफरेंट है ना मतलब ये थोड़ा सा एनालॉगी जो है ऐसा एनालॉगी तो आपने कभी अभी तक नहीं किया था तो सिंस ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार इसको जरूर से रिवाइज कर लेना और अपने हाथ से सारी चीज करके देख लेना कि वेदर यू हैव